Hello everyone, my name is Shubham Singhania and as you all know, I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. In these small series of videos, what we are going to do is, we are going to pick up one important concept, chahe wo difference ho sakta hai, ya wo koi important concept ho sakta hai, aur bahut briefly, but acche se, main aapko ye chota sa concepts explain karne wala hoon, taki aap in choti choti videos ke zariye conceptual clarity le paayen. To aaj ka jo topic hai, that is primary data and secondary data. तो जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं या फिर जब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है. तो प्राइमरी डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? द डेटा डेट यू कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं एंड जिसका पर्पस आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है. सो लेट्स से कि जब नेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनजीओ होता है, जब वो डेटा कलेक्शन करने जाता है, लेट से घर घर जाके वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि भाई कितनी मेल या फीमेल्स प्रेजेंट है, जेंडर का डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसका पर्पस क्या होता है कि वो काउंटिंग करना चाहता है, वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखना चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने मेल्स हैं, क्या परसेंटेज ऑफ पर्सन जो है वो मेल्स हैं और कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे एंड हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जहां हम घर घर जाके सर्वे करके इस डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी डेटा. एक बार जब ये डेटा कलेक्ट होके आ जाता है, लेट्स से कि किसी एनजीओ की वेबसाइट पे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेजिग्नेटेड है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एक बार उनकी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये डेटा कलेक्ट होके आ जाता है, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, कोई और डेटाबेस है, जैसे ब्लूमबर्ग डेटाबेस होता है, प्रोविस डेटाबेस होता है, ये दोनों फाइनेंशियल डेटाबेस हैं जहां से आप फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप यहां से ले सकते हैं. तो जब एक ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट से या पब्लिश वेबसाइट से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या वहां से डेटा को यूज करके कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी डेटा बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. मेजर चीज ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी डेटा के अंदर पहली बार डेटा कलेक्शन हो रहा होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. सेकेंडरी डेटा में आप ऑलरेडी पब्लिश डेटा को, ऑलरेडी पब्लिश इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं फॉर अ सेकेंडरी पर्पस. तो इनिशियली हो सकता है कि जब सर्वे किया गया हो तो हमें सिर्फ पॉपुलेशन में से यह पता करना था कि भाई कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मेल है और फीमेल है. बाद में आप क्या कर रहे हैं, बाद में आप इस डेटा को कलेक्ट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के कुछ कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन अ ऑलरेडी पब्लिश इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू.